ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने माइक्स ऑफ कर दें. ठीक है, ओके. तो इससे पहले जितना हमने पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड्स. ठीक है, जिसमें हमारा मेजर फोकस जो था वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलाइनमेंट के ऊपर था, SSD के ऊपर. और फिर उसके बाद जो है मतलब सुपर एलिवेशन और ये सारी जो चीज़ें थी हमने डिस्कस की है. ठीक है, आज के लेक्चर के बाद जितना भी हमारा डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑल अबाउट द पेमेंट डिज़ाइन ऑफ द रोड्स. ठीक है, यानी हम डिस्कशन जो करेंगे वो सारी की सारी पेमेंट की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हवाले से सारी डिस्कशन करेंगे. और रिजिड पेमेंट है हमारे पास, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए डिफरेंट थिकनेसेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं. ठीक है, और हर एक लेयर में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है. फिर उसके बाद सरफेस के ऊपर जो हमारे पास टॉप ब्लैक टॉप होता है, जिसको हम कहते हैं वेयरिंग कोर्स, उसमें हमारे पास जितनी डिस्ट्रेसेस आती हैं, जितना वेयर एंड टेयर आता है, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स किन वजूहात की वजह से आती है और उसको हम कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा जो हमारा डिस्कशन होगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, वो पेमेंट डिज़ाइन के ऊपर होगा. ठीक है, अच्छा, हाईवे पेमेंट है क्या चीज़? बेसिकली हमारे पास ये भी मतलब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं. जैसे हमारे पास कोई बिल्डिंग है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, कोई ब्रिज है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. हाईवे पेमेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली अ सुपर इम्पोज लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं. सुपर इम्पोज लेयर्स का क्या मतलब है? यानी एक दूसरे के ऊपर हम लेयर बाय लेयर डिफरेंट लेयर्स प्रोवाइड करते हैं और उससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है विच वी कॉल अ पेमेंट. ठीक है, और उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि जितनी भी गाड़ियां उसके ऊपर गुजरती है, उन तमाम गाड़ियों के लोड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले. समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि देखें आपके पास हमारे पास क्या होता है, सबग्रेड. सबग्रेड किसको कहते हैं? जो सबसे बॉटम पे कोई भी रोड जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. जो सबसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, लेकिन जो सबसे नीचे लेयर होती है उसको हम कहते हैं सबग्रेड. समझ आ रही है? उस सबग्रेड के ऊपर बाकी दो तीन लेयर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं. अब अगर सबग्रेड चूंकि डायरेक्टली तमाम के तमाम लोड को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बहुत हैवी लोडेड ट्रैफिक उसके ऊपर जा रही है और सब, तो क्या हो जाता है, सबग्रेड में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सेटलमेंट आ जाती हैं. अब हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स देते हैं सबग्रेड के ऊपर. वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, उसको हम कहते हैं सब बेस, बेस कोर्स और वेयरिंग कोर्स. ये तीन लेयर सबग्रेड के ऊपर दिए जाते हैं. अब ये तीनों लेयर्स का जो फंक्शन है वो क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द अप्लाइड लोड. अच्छा, ये पूरे हाईवे पेमेंट पेमेंट हम बनाते क्यों हैं, वैसे इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो कि मैंने समराइज किए हैं कि पेमेंट की जरूरत हमें क्यों पेश आती है. सबसे पहली बात तो ये है कि विद टाइम एडवांसमेंट होती जा रही है और हमारे पास जो जो हमारा मेन एम है वो ह्यूमन कंफर्ट की तरफ है. चाहे किसी भी सेक्टर में आप बात करें, चाहे बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, जो एम है और जो गोल है लाइफ का, दैट इज टू मेक द ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल. ठीक है, सिमिलरली रोड का भी जो फंक्शन है, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हाउ यू कैन मतलब पीपल कैन नॉट लिव विदाउट इफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह से दूसरी जगह पीपल हैव टू मूव थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
और इस तरह जो 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 सामान है खुर्दनोश का, वी फूड, द फूड वी नीड, और उस फूड को भी एक जगह से दूसरी जगह या डिफरेंट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। अब हाउ दिस कम्युनिकेशन और हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन कुड बी मेड कंफर्टेबल, किस तरह इसको कंफर्टेबल बनाया जा सकता है, ठीक है, थ्रू द रोड ऑफ गुड हाईवेज। जितनी आपके पास बेहतरीन हाईवेज होंगी, जितने आपके पास रोड नेटवर्क अच्छा होगा, उतनी ही जो है इस ट्रांसपोर्टेशन को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो द एम ऑफ मेकिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज टू प्रोवाइड सेफ, स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड फॉर रोड यूजर्स। आप खुद सोचें, एक कच्ची रोड है और एक पक्की रोड है, या जो जो लोग ये बनू और वजीरिस्तान और इन इलाकों में है रहते हैं, आप जरा खुद कंपेयर करें, जब आप पिशावर से जाते हैं टू बनू, तो आपकी जो कंफर्ट लेवल क्या होता है, और कोई बंदा पिशावर से जा रहा होता है इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर, तो उसका कंफर्ट लेवल क्या होता है। तो सिर्फ राइड कंफर्ट नहीं है, आपकी ह्यूमन कंफर्ट भी है, ठीक है। आप जरा 2 घंटे का, 3 घंटे का ट्रेवल कर लेते हैं टू द बनू, और यही 3 घंटे 4 घंटे आप मोटरवे पे भी जाएं, दोनों में आप डिफरेंस फील करेंगे कि क्या डिफरेंस है, आपकी आपकी बॉडी या आपकी फटीग कितनी है, आपकी स्ट्रेस, मेंटल मतलब आपकी थकान, आप ये सारी चीजों को जरा कंपेयर करें। तो ये जो है, ये तमाम के तमाम जो है डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ रोड के ऊपर। जितनी रोड आपके पास अच्छी होगी, जितने वेयर एंड टेयर उसमें कम होगा, तो उतनी ही आपके पास जो है वो राइड कंफर्ट ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरा जो एम था रोड बनाने का, वो ये है कि हम नॉइज और एयर पोल्यूशन को कम से कम कर दें, ठीक है। आप एक कच्ची रोड पे जाएं और फिर नॉइज की लेवल को देखिए और एयर पोल्यूशन के लेवल को देखिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन का ताल्लुक फ्यूल कंजम्पशन के साथ है। जितनी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगी, उतनी ही आपका जो है वो एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा। अब आप कच्ची रोड पे जाएं और तब एयर पोल्यूशन देखें, क्योंकि एक तो आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रेवल टाइम आपका इंक्रीज होगा। तो द मोर द ट्रेवल टाइम, डेफिनेटली द मोर विल बी द फ्यूल कंजम्पशन। सिमिलरली द मोर वुड बी द नॉइज। अगर आपके पास रोड खराब होगी या कच्ची रोड है, तो नॉइज आपके पास ज्यादा होगी। एंड द लास्ट वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक लोड। रोड बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि दिन ब दिन हमारे पास, हम चाहते हैं कि एक गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोड को कैरी करा सके हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब अगर आपके पास पैसेंजर कार है, उसमें 4 बंदे बैठे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे वो तो किसी भी रोड पे जा सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेट ट्रांसपोर्ट की बात करें, फ्रेट ट्रांसपोर्ट का मतलब है यानी हैवी व्हीकल्स, ठीक है, जिसमें हम लगेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हम चाहते हैं कि हम वन गो में ज्यादा से ज्यादा लोड को कैरी कर सकें, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब उसके लिए फिर उस हिसाब से रोड भी बनाने पड़ते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी रोड है और उसके ऊपर आपकी अपनी मर्जी के लोडेड गाड़ी को चला सकें। तो इस वजह से हर एक रोड जो है पे हर एक किस्म की लोडेड ट्रैफिक नहीं जा सकती। तो इस वजह से इफ यू वॉन्ट टू कैरी और टेक मैक्सिमम और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम लोड फ्रॉम वन पॉइंट इंटू अनदर पॉइंट, सो यू नीड दैट काइंड ऑफ पेमेंट एज वेल, जिसकी उतनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हो कि वो तमाम के जो है वो उस लोडेड ट्रैफिक को कैरी करा सके। तो ये डिफरेंट लेयर्स जो हम पेमेंट का देते हैं, उनका मकसद क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक लोडिंग। अच्छा, पेमेंट की डिफरेंट टाइप्स से हमारे पास जो दो मेजर टाइप्स हैं, और जो मोस्ट कॉमनली यही दो टाइप्स इस्तेमाल होती हैं, एक एक हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट है और एक हमारे पास है रिजिड पेमेंट, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, वन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरे को हम कहते हैं रिजिड पेमेंट। एक और टाइप भी है जिसको हम कंपोजिट पेमेंट कहते हैं। कंपोजिट पेमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, ठीक है।
फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सा होता है और रिजिड पेमेंट कौन सी होती है। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें जो टॉप लेयर है, ये जो ब्लैक टॉप आपको नजर आ रहा है, उसमें इसमें जो बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है, ये बिटुमिन एज अ बाइंडर इसमें यूज किया जाता है। जबकि जो रिजिड पेमेंट है उसमें जो टॉप लेयर है उसमें बिटुमिन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एक कॉन्क्रीट स्लैब जो है वो टॉप पे दिया जाता है और उसमें सीमेंट इस्तेमाल होता है एज अ बाइंडर। तो प्राइमरीली जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि इसमें जो बाइंडर इस्तेमाल होता है, बाइंडर मतलब जोड़ने के लिए, इसमें जो बाइंडर इस्तेमाल होता है वो बिटुमिन है और इसमें जो बाइंडर इस्तेमाल होता है दैट इज सीमेंट। ठीक है, दूसरी जो डिफरेंस है वो आगे मैं जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा ये के और क्या डिफरेंसेस है इसमें। ये बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसमें हर एक लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है, यानी कौन कौन सी लेयर्स हैं। ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन लेवल है इसको हम कहते हैं सब ग्रेड, उसके ऊपर आपके पास है सब बेस, ये जो दूसरी लेयर है ये सब बेस कहलाती है। उसके बाद जो तीसरी लेयर है उसको हम कहते हैं बेस कोर्स, और जो चौथी लेयर है जो टॉप पे है उसको हम कहते हैं वेरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स। अब ये चार लेयर्स हैं, इन चारों की अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे और चारों के का यहाँ पे होना जरूरी है। जबकि रिजिड पेमेंट में क्यों चारों का होना जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई भी लेयर इसमें मिसिंग होगी तो रोड तो फिर भी आप बना सकते हैं लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। यहाँ पे अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें तो इसमें हम हमारे पास ये जो सब बेस है ये ऑप्शनल होता है, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, देने देना कब है और नहीं कब देना। अक्सर आपके पास ये होता है, ये नीचे जो आपको मट्टी नजर आ रही है देखिए, ये सबसे बॉटम पे दिस इज सब ग्रेड। अब होता ये है कि हम रोड की हाइट ज्यादा रखते हैं, यानी हमारा जो लेवल ऑफ द रोड है वो यहाँ पे होता है और सब ग्रेड नीचे है यहाँ पे है, तो हमने रोड की डेप्थ को इंक्रीज करना है। अब ये डेप्थ हम अब इस लेवल तक अगर पहुंचना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इस ये हमारा सरफेस होगा जिस जो जो रोड का टॉप सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा है जो नेचुरल सब ग्रेड है। अब हमने अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो या एक तरीका तो ये है कि हम पूरा का पूरा नीचे से यहां से लेकर यहां तक स्लैब प्रोवाइड करें, पूरा का पूरा स्लैब प्रोवाइड करें। अब स्लैब अगर प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आप जरा दिमाग चलाएं, कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे ये जो लेयर आपको नजर आ रही है बीच में सब बेस, ये प्रोवाइड की जाती है ताकि हम जो है रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच जाए विद मिनिमम कॉस्ट। स्लैब की जो थिकनेस है वो तो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी लोड है उस हिसाब से थिकनेस आएगी, लेकिन ये जो बाकी थिकनेस है वो हम अचीव करते हैं थ्रू द प्रोविजन ऑफ सब बेस। तो यहाँ पे ये जो सब बेस है ये लोड कैरिंग में हेल्प नहीं देता, इसका काम लोड कैरिंग नहीं है, इसका जो काम है वो क्या है, जस्ट फिलिंग, ठीक है, टू गिव टू टू रीच टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रोड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये इसमें ये लोड जो है वो सारा का सारा रिजिड पेमेंट में स्लैब ही बर्दाश्त कर रहा होता है, ये जो नीचे लेयर्स हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे तमाम लेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम लेयर्स जो है वो लोड कैरिंग में हेल्प आउट करती हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ जो सब ग्रे जो 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 वेयरिंग कोर्स हैं या जिसको हम स्लैब कहते हैं वही सिर्फ सारा का सारा ट्रैफिक लोड बर्दाश्त कर रहा होता है, नीचे के जो लेयर्स हैं वो उसमें लोड ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है रिजिड पेमेंट में, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में ऑल ऑफ द लेयर्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस।
इस ये जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को टू द लोअर लेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं, जबकि रिजिड पेमेंट में क्या है, इट डिस्ट्रीब्यूट व्हील लोड ओवर अ वॉइड एरिया ऑफ द सब ग्रेड एंड कंजिस्ट जनरली ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड मे बी रीइंफोर्स्ड विद स्टील। अब यहाँ पे ये होता है कि ये जो रिजिड पेमेंट है उसमें कंक्रीट स्लैब ही सारा लोड बर्दाश्त कर रहा होता है और वो लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने अंदर ही लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और लोअर लेयर में इसको ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्रीट स्लैब भी बना सकते हैं और रीइंफोर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट पे देखिए ये व्हील लोड आ रहा है और सारा इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप नीचे देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टू द लोअर लेयर्स। यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस कोर्स है वो उसके बाद ज्यादा लोड जो है वो बेस कोर्स लेता है, जबकि अगर आप नीचे जाएं सब बेस की तरफ तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो सब बेस है वो फिर उससे कम लोड ले रहा होता है, जबकि सब ग्रेड तक लोड की इंटेंसिटी इंतहाई कम पहुंचती है। तो सारा का सारा लोड जो है वो ये तमाम लेयर्स बर्दाश्त कर रहे होते हैं और हर एक लेयर जो है वो इट्स प्लेइंग इट्स पार्ट इन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम यहाँ पे बात करें रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट में ये जो टॉप पे है दिस इज अ कॉन्क्रीट स्लैब, और कॉन्क्रीट स्लैब जो है ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है विद इन इटसेल्फ। ठीक है, यानी अगर आप देखें एक पूरे वाइड एरिया में इसने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सारा लोड जो है ये खुद बर्दाश्त कर रहा है, सब ग्रेड तक उसकी इंटेंसिटी नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ये एक मेजर सा डिफरेंस था। यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज द टायर लोड जब कांटेक्ट बिटवीन द वेयरिंग कोर्स और टायर के दरमियान देखा गया, तो ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो। तो ये दिस इज अराउंड 150 PSI तक यहाँ पे स्ट्रेसेस जेनरेट हो रही हैं, यानी लोड की इंटेंसिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा है क्योंकि डायरेक्ट लोड आ रहा होता है ना गाड़ी से टू द वेयरिंग कोर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें देखिए टू द लोअर लेयर, तो इस पॉइंट पे जहां जब मजर किया गया उसकी इंटेंसिटी को तो दैट वाज अराउंड 3 PSI। तो आप खुद सोचें कि देखें ऊपर 150 था और धीरे धीरे कम होता गया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और वेयरिंग कोर जो सब ग्रेड है उस तक उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर पहुंच रही है। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलू, अगर आप इस इमेज में भी देखें तो सारा का सारा लोड कौन बर्दाश्त कर रहा है, अगर पीछे इमेज में भी देखें तो मैक्सिमम लोड कौन बर्दाश्त कर रहा है, ये जो पिछले फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें जो मैक्सिमम लोड है वो वेयरिंग कोर्स बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें वेयरिंग कोर्स जो जितना ज्यादा लोड बर्दाश्त करेगा उतनी ही उसको हमें स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। तो अगर हम स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो इन चारों लेयर्स में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा लेयर होना चाहिए, वेयरिंग कोर्स। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर भी होगा और सबसे एक्सपेंसिव भी होगा, जबकि उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर कौन सा लेयर होना चाहिए, बेस कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर कौन सी लेयर होनी चाहिए, सब बेस। ठीक है, उसके बाद आखिर में जो है वो सब ग्रेड। तो स्ट्रेंथ के हवाले से अगर बात करें तो द स्ट्रेंथ शुड बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि यहां से सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद सब ग्रेड की तरफ हम जाएंगे। एक्सपेंसिव कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा, वो
वो भी डिक्रीजिंग में होगा, यानी द कॉस्ट ऑफ वेरिंग कोर्स वुड बी अलॉट एक्सपेंसिव, एंड देन द कॉस्ट ऑफ बेस कोर्स, फिर उसके बाद सब बेस और आखिर में सब ग्रेड की तरफ हम आएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट वाइज सबसे एक्सपेंसिव वेरिंग कोर्स होगा, और स्ट्रेंथ वाइज भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो वेरिंग कोर्स होना चाहिए। सर, जी ये वेरिंग कोर्स ऐसे इसको क्यों कहते हैं सर? अच्छा, ये इसको हम ये दो तीन नामों से हम इसको पुकारते हैं। इसको हम सरफेस कोर्स भी कहते हैं, ठीक है। सरफेस कोर्स कोर्स हम लेयर को बोलते हैं, ठीक है। तो वेयरिंग कोर्स, सरफेस कोर्स इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप सरफेस पे होती है, दिस इज कॉल्ड सरफेस कोर्स। वेयरिंग हम कहते हैं वेयर एंड टेयर से, खराब होने को हम कहते हैं वेयर। तो इन तमाम लेयर्स में जो सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर आता है वो इसी टॉप लेयर में आती है, समझ आ रही है आपको? क्योंकि डायरेक्ट जो है वो लोड, यस सर, डायरेक्ट लोड आपका जो है वो इस ब्लैक टॉप के ऊपर आता है, इस वेयरिंग कोर्स के ऊपर आता है। तो जो डिस्ट्रेसेस हैं या जो वेयर एंड टेयर है वो सबसे ज्यादा इसी लेयर में आती है, तो इस वजह से इसको हम वेयरिंग कोर्स भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? अदरवाइज यस सर, कुछ किताबों में इसको सरफेस कोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट, जहाँ रोड बनती हुई आपने देखा होगा, दिस इज अ पेवर मशीन, और उसके और दिस इज अ रोलिंग। तो यहाँ पे जो है, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल और टिपिकल पिक्टोरियल व्यू ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड पेमेंट मैंने आपको बताया दो। इसमें जी सर ये जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो हम लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, वो सेम जी लेयर्स हम उसमें क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं रिजिड में? अच्छा, रिजिड पेमेंट में लेयर्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये मैंने शुरू में आपको बताया कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में तमाम लेयर्स जो हैं वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, करती है, ठीक है। ईच एंड एवरी लेयर इज प्लेइंग इट्स पार्ट इन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जबकि रिजिड पेमेंट में तमाम लेयर्स जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प नहीं करती, सिर्फ रिजिड जो स्लैब है वो सारा लोड बर्दाश्त कर रहा होता है। तो उसमें जो हमारा फोकस होता है वो स्लैब के ऊपर होता है, जबकि नीचे लेयर्स जो हैं वो ऑप्शनल होती हैं। यहाँ पे भी देखें, देखें, ऑप्शनल 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 क्यों है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई हमें चाहिए यहाँ ये फिलिंग, फिलिंग के लिए हमें दिस दिस हमारा जो लेवल है सरफेस का, जो उसको हम फॉर्मेशन लेवल कहते हैं, वो यहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, और आपका जो नेचुरल जो जो ग्राउंड है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको मटेरियल को फिल करना तो पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक पहुंचेंगे ना, ठीक है। तो ये जो नीचे सब बेस हम देते हैं वो सिर्फ इस मकसद के लिए देते हैं ताकि हम जो है वो अपने डिजायर्ड लेवल तक भी पहुंच जाए एट एन इकोनॉमिकल कॉस्ट। समझ आ रही है आपको? सर इसका यस मतलब सर, यस सर, फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट स्ट्रेंथ में ज्यादा है, इसलिए इसको वेरी इस कोर्स कोर्स की जरूरत नहीं होती किस कोर्स की जरूरत नहीं होती? सर। ये नीचे जो दिए गए होते ना सर, ये तो आप कहते हैं कि सिर्फ वो हाइट के लिए, वो लेवल को पहुंचने के लिए होते हैं यहाँ पर जी जी रिजिड जी जी पेमेंट में सर। हाँ तो ये हाँ फ्लेक्सिबल से स्ट्रांगर हुआ ना सर रिजिड पे? यार, डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर हुआ, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर की हम यहाँ पे बात नहीं करते। यस स्ट्रॉन्गर दोनों होंगी, दोनों स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हम जो है वो डिपेंड करता है इन तमाम लेयर्स के ऊपर, ठीक है। यानी अप्लाइड लोड जो है आपकी, ऊपर से लोड आ रही है, ठीक है, वो लोड इन इन तमाम लेयर्स ने बर्दाश्त करना है। तो वो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, इनकी थिकनेसेस को बढ़ा के बर्दाश्त करेंगे जी। ये जो चार लेयर्स हैं, तो इन चारों लेयर्स की थिकनेसेस बढ़ाएंगे, तो जितनी थिकनेसेस बढ़ाएंगे उतनी ऊपर से जो है वो ज्यादा लोड बर्दाश्त करेगा। तो स्ट्रॉन्गर हम इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, समझ आ रही है ना? लेकिन इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इन चारों लेयर्स की थिकनेसेस को इंक्रीज करना होगा, तभी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और यस इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस स्लैब को, इस स्लैब की थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा, समझ आ गई आपको? यस सर,
सर ये रिजिड पेमेंट किधर यूज होते हैं, मतलब मैं तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी। हर जगह पे यूज होती है, कौन सी जगह ऐसी नहीं है। हर जगह पे आप रिजिड पेमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर जगह पे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेफरेबल लोकेशंस उनकी कौन सी है, बाकी आपकी मर्जी है। आप पूरी की पूरी मोटरवे भी रिजिड पेमेंट की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिजिड पेमेंट का वो लाइफ स्पैन ज्यादा है कि फ्लेक्सिबल का, आगे मैं कंपैरिजन में आपको डिस्कस करूंगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट का लाइफ स्पेन ज्यादा है, लेकिन आगे इसकी कंपैरिजन आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यूजुअली जहां पे वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है, रोड बड़ी जल्दी जल्दी खराब होती है और बार बार रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल होती है, तो फिर वहां पे रिजिड पेमेंट हम बनाते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट यू वरी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप हम आ जाएं रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट मैंने आपको बताया कि ये कंक्रीट स्लैब की, कंक्रीट की भी बना सकते हैं, जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, पीसीसी, और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की भी हम बना सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है तो मैं जरा ये कॉल अटेंड करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे लास्ट। स्टूडेंट्स आप 2 मिनट तक वेट करें, ठीक है, फिर हम दोबारा क्लास शुरू करते हैं। जी सर, वह था सर। हाँ जी, जी सर, जी 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 लिंक, हाँ जी 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 सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन मतलब साइकोमोटर डोमेन वाला सीलो चेंज कूल दी वो चिमुंसरा मुंसरा पीएलओ चेंज निशी पीएलओ बस एंड साथ में और बल बल इफेक्टिव डोमेन वाला चिकन दो सीलो जी अगर हम दो पाती की वो दावे चे स्टेटमेंट पे दस रिफ्रेश कूल वाड़ी ची अगर हम ऑनलाइन चिकन क्लासेस दी दावे लगा रिप्रेजेंटेशन पकी मतलब हाँ बस इसमें पकी इनकॉर्पोरेट ठीक जी 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 दी 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 दो साइड दो इफेक्टिव की चिकन यो मुंग सरो का ना सर आगा बमुंगा यूजुअली चिप तेरे लैब्स की मुंगा दा एसेसमेंट को बा अगर यो यो साइको यो इफेक्टिव बसर मुंग पर बिहेवियर बन निको दा बस सिर्फ प्योरली मुंग पर द लैब पर क्लास की को सर और द यो इफेक्टिव मैं हम गेज को द वाईवर की और लहू की सर द
से होता है सर, लैब रिपोर्ट की सर। आओ जी आओ। तो उमा का पैटर्न हम वो सा तो सिर्फ बदा ऑनलाइन से कम क्लासेस मुंगा ऑफ लुका ना तो दबा तरी दबा दाई की वजह यो इनकॉर्पोरेट को दायो इफेक्टिव। दिस वाला द इफेक्टिव वाला रूब्रिक्स आओ जी आओ। ठीक छू सर, रूब्रिक्स को सर यूजुअली मुंग सर द साइकोमोटरी और द इफेक्टिव के ना सर, यदि कॉग्निटिव को रूब्रिक्स नहीं तो जी जी सर जी सर जी सर आओ बिल्कुल बिल्कुल आगा बस बराबर कम इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह तो अपडेट कर लूंगा। ठीक छू सर जी। स्टूडेंट्स आर यू विद मी? हेलो यस सर। ओके अच्छा तो ये हमारे पास दो पेमेंट्स हैं ठीक है, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं इट कुड बी रीइंफोर्स्ड पेमेंट एंड इट कुड बी अनरीइंफोर्स्ड यानी प्लेन कंक्रीट की भी आप बना सकते हैं। अच्छा अब आते हैं कंपैरिजन की तरफ, जो मुख्तलिफ सवाल थे अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंट स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो ये भी इस कंपैरिजन में जो है आपके डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आई होप के आंसर हो जाएंगे। पहला कंपैरिजन क्या है फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के दरमियान, ये जो रेड मैंने किए हैं बस यही पॉइंट पे आपने फोकस करना है। पहले में जो बाइंडर इस्तेमाल होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में दैट इज बिटुमिन, जबकि रिजिड पेमेंट में जो बाइंडर इस्तेमाल होता है दैट इज सीमेंट। ठीक है तो ये डिफरेंस हुआ रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, आप बीम में देखें डिफॉर्मेशन, स्लैब में देखें डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मींस सेटलमेंट जो होती है ठीक है, चेंज इन शेप, लोड की वजह से ही डिफॉर्मेशन आती है। अब अगर सेटलमेंट आती है इन द सब ग्रेड, सब ग्रेड कौन सा लेयर होता है जो सबसे बॉटम में होता है जो सॉइल होती है, अगर नीचे सॉइल में जो है सेटलमेंट आती है या डिफॉर्मेशन आती है तो दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अपर लेयर्स। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की तमाम लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और तमाम लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं और तमाम लेयर्स जो हैं वो लोड कैरिंग में हेल्प करती हैं। तो अगर किसी भी लेयर में अगर कोई सेटलमेंट आती है सबग्रेड में, लेट सपोज नीचे बॉटम में कोई सेटलमेंट होती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको तमाम लेयर्स में फील होगा, ऊपर वाली लेयर्स तक डिफॉर्मेशन पहुंचेगी। जबकि अगर यहां पे हम बात करें द डिफॉर्मेशन इन द सब ग्रेड इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द सबसिक्वेंट लेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये है कि अगर नीचे डिफॉर्मेशन आती है या कुछ भी होता है वो जाके स्लैब में उसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्लैब जो है वो लोड ट्रांसफर उसका काम ही नहीं है, लोड ट्रांसफर करना ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, क्योंकि सारा लोड तो स्लैब खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ आ रही है। तो दूसरा डिफरेंस ये हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या है, द लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से क्या मुराद है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल, और इस तरह ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से टॉप से लोड जाके नीचे बॉटम तक पहुंचता है। जबकि यहां पे कोई ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट का फिनोमेना नहीं है, क्योंकि सारा लोड किसने बर्दाश्त करना है, स्लैब ने बर्दाश्त करना है, नीचे वाली लेयर्स तक उसको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है इसकी द इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी लो, जबकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या मतलब है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब आप बिल्कुल नया रोड बनाते हैं उस टाइम पे उसकी कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या मतलब है यानी उसको हर साल दो साल तीन साल बाद चार साल बाद इस तरह मेंटेन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट फिर बहुत ज्यादा है।
क्योंकि इसमें डिस्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आती हैं, बार बार खराब हो जाती हैं, जबकि जो रिजिड पेमेंट है उसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी जब आप जिस टाइम पे पेमेंट बनाते हैं तो उस टाइम पे नया पेमेंट, नई पेमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज एक्सट्रीमली लो, यानी उसमें डिटोरिएशन या डिस्ट्रेसेस नहीं आती, जिसकी वजह से बार बार उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, तो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी नहीं, ना होने के बराबर है, इट्स वेरी लेस। तीसरा, पांचवा जो डिफरेंस है वो क्या है, लाइफ स्पैन के हवाले से है। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसकी लाइफ स्पैन 10 से 15 साल के दरमियान होती है, ठीक है, मैक्सिमम 20 साल तक भी जा सकती है, जबकि जो रिजिड पेमेंट है द लाइफ स्पैन इज बियॉन्ड 30 ईयर्स एंड इट कुड बी अबाउट 50 ईयर्स तक भी जा सकती है, तो 30 साल से ऊपर ऊपर इसकी लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सर्फिसिंग कैन बी लेड डायरेक्टली ऑन द सबग्रेड, क्या मतलब हुआ, यानी अगर आपके पास सबग्रेड है, सबग्रेड मतलब नेटिव सॉइल, जो आपकी कच्ची जमीन होती है, ठीक है, उसको कॉम्पैक्ट करके डायरेक्टली आप उसके ऊपर जो है वो इसकी स्लैब बना सकते हैं रिजिड पेमेंट की केस में, जबकि आप जो सर्फिसिंग है जिसको हम वेरिंग कोर्स कहते हैं वो डायरेक्टली आप सबग्रेड के ऊपर नहीं बना सकते, आपको इसी तरह डिफरेंट लेयर्स देनी पड़ती हैं, सब बेस, सब ग्रेड, सब बेस कोर्स, और फिर जाके वेयरिंग कोर्स देना पड़ता है, तो एक डिफरेंस ये हुआ। यहाँ पे ये बाकी लेयर्स की जरूरत नहीं है, सबग्रेड के ऊपर डायरेक्टली आप स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ के हवाले से है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द रूट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द सबग्रेड, इवन सबग्रेड नहीं बाकी लेयर्स पे भी डिपेंड करती है। क्या मतलब हुआ इसका, कि पूरी रोड की जो स्ट्रेंथ है वो तमाम लेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अगर उसमें कोई भी लेयर कमजोर है या वीकर है तो उससे तमाम जो पेमेंट है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर कम हो जाती है, जबकि यहां पे जो स्ट्रेंथ है वो बाकी लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो सारा का सारा लोड है वो तो स्लैब बर्दाश्त कर रहे हैं, और स्लैब अगर स्ट्रॉन्गर है तो बाकी उनके साथ, बाकी लेयर्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। रोड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैफिक विद इन 24 आवर्स, यानी यहाँ पे एक है कि जब जैसे ही आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बना लेते हैं तो 24 घंटे के बाद आप उसको ऑपरेशनल बना सकते हैं, मतलब 24 घंटे के बाद लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ट्रैफिक। लेकिन जो रिजिड पेमेंट है that cannot be used until 14 days of minimum curing, yani kyunki slab hai to slab ke liye to curing ki zarurat hoti hai, to jab tak 14 days of curing nahi hoti to tab tak to isne strength achieve nahi kiya hota maximum, to tab jo hai uske baad isko istemal kiya ja sakta hai। to ye kuch differences the, kuch comparisons the between the rigid and flexible pyramid, theek hai। acha, अब आते हैं, ये मैंने एक बात की यहाँ पे ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट की, तो ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट जी एक ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि देखें व्हील लोड आ रहा है ऊपर से, वो जाके एक पार्टिकल और में ट्रांसफर होता है, फिर एक पार्टिकल से बाकी पार्टिकल्स में ये जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। जी जी मीर सलाम, आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि रिजिड पेमेंट के मुकाबले में सर फ्लेक्सिबल पेमेंट बहुत ज्यादा होते हैं सर, अगर देखा जाए सर हर जगह फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं, रिजिड पेमेंट इतना ज्यादा नहीं होते सर। अगर इसका दोनों का प्रॉपर्टी तो मेरे ख्याल में सेम सेम आ रहा है, जो एक चीज में एक कम है दूसरी चीज में बहुत ज्यादा होता है सर, तो फिर हम रिजिड पेमेंट को ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं सर? देखें रिजिड पेमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं और आप पूरा रोड नेटवर्क रिजिड पेमेंट का भी बना सकते हैं, लेकिन दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल पेमेंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इनटू द फ्रॉम द रिजिड पेमेंट, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो है राइड कम्फर्ट की, अगर आप रिजिड पेमेंट के ऊपर ट्रेवल करें, रिजिड पेमेंट की मिसाल ये है अगर किसी के पास गाड़ी है और वो ये जो जलोजई में अगर आप कैंपस में अंदर जाते हैं और वहाँ मेन रोड से नीचे सिविल डिपार्टमेंट की पार्किंग तक आते हैं,
तो ये मेन रोड से, यानी ये जो जो सर्कुलर रोड है कैंपस के अंदर, उस सर्कुलर रोड से आप नीचे उतर के कैंपस की पार्किंग, डिपार्टमेंट की पार्किंग तक आप आते हैं। वो छोटी सी स्ट्रिप जो है वो रिजिड पेमेंट की बनाई गई है, ठीक है। अगर आप ने ट्रेवल किया होगा इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे में 5 लेने हैं, उसमें जो 3 लेने हैं वो आउटर 3 लेन्स जो है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की बनाई गई है, जबकि आखिरी में जो एंड पे 2 लेने हैं वो रिजिड पेमेंट की बनाई गई है, ठीक है। तो अगर आप राइड के हवाले, कंफर्ट के हवाले से बात करें, आप दोनों पे आप ट्रेवल करें, तो दोनों में जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो आपको एक स्मूथ राइड देगा, जबकि फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट आपको उतनी स्मूथ राइड नहीं देता जितनी की। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप फोम पे सो रहे हैं और दूसरा बंदा लकड़ी के किसी तख्ते पे सो रहा है, समझ आ रही है आपको? तो फोम पे सोते हुए आपको कंफर्ट ज्यादा फील होता है, या लकड़ी का कोई तख्ता है, या वो जो जो टिपिकल चारपाई होती है उस पे आप सो रहे हैं, उस पे आपको कंफर्ट ज्यादा मिलता है। तो राइट कंफर्ट डेफिनेटली, तो राइट कंफर्ट जो है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की ज्यादा है और रिजिड पेमेंट की राइट कंफर्ट कम है। तो इस हवाले, इस वजह से फिर ज्यादातर जो मोटरवेज वगैरह है वो उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट इस्तेमाल होती है। अच्छा, रिजिड पेमेंट कहाँ पे सर, ये तो होता जीएसटी पे सर, ये तो रिजिड पेमेंट इस्तेमाल होता है सर ज्यादा। है? बताता हूँ, बताता हूँ। उन जगहों पे हम रिजिड पेमेंट इस्तेमाल करते हैं जहां पे उसकी बार बार कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है, और जहां पे लोड जो है ओवरलोडिंग की वजह से बार बार पेमेंट खराब हो रही होती है, तो उन जगहों पे फिर फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या मतलब हुआ? जहां पे हैवी लोडेड ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जिस जगह पे, और चूंकि हैवी लोडेड ट्रैफिक की वजह से फ्लेक्सिबल पेमेंट बार बार खराब हो जाती है और रिजिड पेमेंट की मेंटेनेंस नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, तो हम क्या करते हैं उस जगह, उन जगहों पे फिर रिजिड पेमेंट हम बना सकते हैं, समझ आ रही है? तो पहली बात, तो जब ओवरलोडिंग आपके पास, ओवरलोडेड ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। दूसरी बात, आपकी उन जगहों में जहां पे रोड को बार बार मेंटेन करना और कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है, जैसे हिली एरियाज हैं, ठीक है। तो हिली एरियाज में अगर आपने देखा होगा कोई बंदा, कोई आप में से अगर कोई जील सैफुल मलूक गया होगा, तो नारान से जील सैफुल मलूक तक जो रोड बनाई गई है वो रिजिड पेमेंट की बनाई गई है। वो क्यों रिजिड पेमेंट की बनाई गई है? क्योंकि जील सैफुल मलूक तक दोबारा बार बार रोड को मेंटेन करना और बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर उन इलाकों में मशीनरी को, मशीन्स को लेके जाना और मटेरियल को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है टेरेन की वजह से, तो वहां पे फिर लोग रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं। 1 मिनट, मैं जरा कॉल रिसीव करता हूँ। वालेकुम सलाम सिंगल फैजान से, ठीक ठाक खैर दीजिए, ठीक ठाक फैजान क्लास की मत जबरदस्त दोबारा खा लो कम सर, से इमरजेंसी हुआ सर, खैर हो? हाँ, तो अल तवरगली दगता, हाँ मजे था, तो क्लास खत्म शी, कॉल बैक कम सही था। ओके, सामान मैं सलाम, समझ आ रही है आपको? तो रिजिड पेमेंट बिल्कुल सर, वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे रोड को बार बार रिपेयर करना मुश्किल होता है, तो वहां पे फिर रिजिड पेमेंट बनाते हैं। आपने अभी बीआरटी की बात की, अब बीआरटी में उन्होंने कंपोजिट पेमेंट बनाई है। कंपोजिट पेमेंट का मतलब क्या है? नीचे जो है वो रिजिड पेमेंट है, उसके ऊपर उन्होंने जो थिक लेयर है टॉप पे वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की दी है। इसका क्या मतलब है? अब जो चूंकि दोनों रिक्वायर्ड है, यहाँ पे बीआरटी जो राउट है उसको बार बार अगर इसमें रिपेयर की जरूरत होती है, तो बार बार रिपेयर और मेंटेन करना मुश्किल होता है, समझ आ रही है आपको? उसकी वजह से आपका पूरा बीआरटी जो बसेस हैं या जो सर्विस है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करके दोबारा ऑपरेशनल करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है ऑपरेशन को या सर्विस को स्टॉप नहीं कर सकते, तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, नीचे रिजिड पेमेंट बनाई है ताकि इसकी सर्विस लाइफ बहुत ज्यादा हो, 20-50 मतलब 40-50 साल तक ये चले और इसको मेंटेन खराब भी ना हो। दूसरा, उन्होंने इसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ
फ्लेक्सिबल पेमेंट की दी है फॉर द सेक ऑफ राइट कंफर्ट, क्योंकि उन्होंने उन रिजिड पेमेंट की राइट कंफर्ट नहीं होती, वो बार बार अनड्यूलेशन उसमें होती है और एक रफ राइड होती है, उस रफनेस को खत्म करने के लिए उन्होंने उस टॉप पे जो है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की, यानी जो वेयरिंग कोर्स है उसकी एक थिक लेयर दी है, ताकि राइट कंफर्ट भी अचीव हो और स्ट्रॉन्गर भी हो और आपको बार बार उसकी मेंटेनेंस भी करनी ना पड़े। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम वाटर क्रॉसिंग एरियाज में प्रेफर करते हैं सर। बिल्कुल, वाटर क्रॉसिंग में मैंने आपको बताया था कि पेमेंट के लिए दो चीजें खतरनाक होती हैं, एक पानी और एक ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जहां पे वाटर क्रॉसिंग एरियाज पोर्शन होता है तो उस उन जगहों पे पानी की वजह से रोड बार बार खराब हो जाती है, वहां पे खड़े बन जाते हैं, तो उस वजह से फिर ये रिजिड पेमेंट दिया जाता है, ताकि ये रोड जो है वो बार बार खराब ना हो और इसकी मेंटेनेंस की जरूरत ना हो। क्लियर होगी बस? अच्छा, यहाँ पे जो है हैवी व्हीकल्स के लिए अक्सर जो है वो रिजिड पेमेंट को प्रेफर किया जाता है, हैवी व्हीकल्स के लिए। अब क्यों हैवी व्हीकल्स के लिए रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं? इसलिए के अगर आप फ्यूल कंजम्पशन की बात करें, यहाँ पे आप देखें ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जहां से हैवी लोडेड गाड़ी गुजरती है तो ये उस उन पॉइंट्स पे टायर के नीचे जाके वो पेमेंट का पोर्शन जो है वो पेनेट्रेट हो जाता है, ऐसे एक हल्का सा पेनेट्रेशन इफेक्ट आता है, जैसे स्प्रिंग की तरह एक कंप्रेशन इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है। जब गाड़ी गुजर जाती है तो ये स्प्रिंग जो है वापस रिलैक्स हो जाता है और उसकी एक्सपेंशन, इसकी जो कंट्रक्शन है वो वापस जो है वो रिलीज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि एक माइनर सा डिफरेंस आता है उस डिफ्लेक्शन की वजह से फ्यूल कंजम्पशन में। इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूं कि आप जो है एक खेत फील्ड और उसमें आप जो है वो दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी पैरों में भी दर्द ज्यादा फील होगा और आपकी पैर जो है वो उस खेत में जाके, क्योंकि वहां पे खेत में तो मट्टी होती है और मट्टी बिल्कुल लूज फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से आपके पैर वहां पे जाके घुसते हैं, या कीचड़ है तो कीचड़ में दौड़ना आसान होता है या फिर फर्श पे दौड़ना आसान होता है, डेफिनेटली फर्श पे दौड़ना आसान होता है। तो इस वजह से इसकी वजह से आपको ये जो हैवी व्हीकल्स हैं, यहाँ पे अगर रिजिड पेमेंट की बात करें तो ये देखें टायर पेनेट्रेट नहीं हो रहा, जब टायर पेनेट्रेट नहीं हो रहा तो टायर को आगे मूव करने में आसानी होती है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, जबकि यहाँ पे टायर्स पेनेट्रेट हो रहे हैं, टायर पेनेट्रेशन की वजह से गाड़ी को ज्यादा इफेक्ट करना पड़ता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। तो अक्सर जो हैवी ट्रैफिक लेन्स होती हैं वहां पे रिजिड पेमेंट को बनाया जाता है। क्लियर? अब आते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन कौन सी लेयर्स हैं, उन लेयर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास है सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और सब ग्रेड, ये चार लेयर्स होती हैं रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हैं? सरफेस कोर्स, ये जो ब्लैक बिटुमेन से बनाया जाता है टॉप पे, उसके नीचे एग्रीगेट का एक लेयर दिया जाता है विच वी कॉल्ड बेस कोर्स, उसके नीचे क्ले और एग्रीगेट का, क्ले और स्टोन्स का एक मिक्स्ड लेयर मटेरियल से एक लेयर दिया जाता है विच वी कॉल्ड सब बेस, और उसके नीचे आपके पास जो नेटिव सॉयल होती है, जो जमीन होती है, जो नॉर्मल नेचुरल जमीन होती है, उसको हम कहते हैं सब ग्रेड। ठीक है, तो ये चार लेयर्स यूजुअली फ्लेक्सिबल पेमेंट में बनाई जाती है। अब जब ये चार लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं तो क्या किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक थिन लेयर्स भी दी जाती हैं। वो थिन लेयर्स कौन सी है, यहां पे आप देखें ये बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के दरमियान एक थिन लेयर ऑफ बिटुमेन दिया जाता है विच वी कॉल इट प्राइम कोट।
और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो बाइंडर कोर्स है और सरफेस कोर्स है उसके भी दरमियान भी एक लेयर दी जाती है, एक थिन स्प्रे ऑफ बिचुमेन किया जाता है, विच वी कॉल इट टैक कोट। जब रोड बना दी जाती है तो टॉप सरफेस पे भी एक एक लेयर हम दे सकते हैं, विच वी कॉल इट सील कोट, जो कि आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। ठीक है, तो ये तीन किस्म की कोट्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। देखें अगर हम नीचे से हम आए, सबग्रेड, सबग्रेड दो तरह की उन्होंने लिए, एक है नेचुरल सबग्रेड जो नेचुरल जमीन होती है, दूसरा हमारे पास है कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। कॉम्पैक्टेड सबग्रेड भी हो सकता है या इसको हम मॉडिफाइड सबग्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, उसके बाद है बेस कोर्स। अच्छा, यहाँ पे है बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स और बाइंडर कोर्स इज एक्चुअली अ बेस कोर्स, बट जो बेस कोर्स होता है वो ग्रेनुलर बेस कोर्स होता है, उसमें कोई भी बिचुमेन वगैरह नहीं होता, प्योर ग्रेवल्स होती हैं। जबकि बाइंडर कोर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेस कोर्स, बट यहाँ पे जो है वो बिचुमिनियस लेयर होती हैं, विच वी कॉल इट बाइंडर कोर्स, जो कि बेस कोर्स का ही हिस्सा होता है। जबकि टॉप पे आपके पास होती है सरफेस कोर्स। ठीक है, और इन कोर्सेस के बीच में, इन लेयर्स के बीच में एक थिन कोट ऑफ बिचुमेन दिया जाता है, विच वी कॉल इट प्राइम कोट एंड टैक कोट। प्राइम कोट कहाँ पे देते हैं? बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में। जबकि टैक कोट कहाँ पे देते हैं? बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स के बीच में। जबकि सील कोट सरफेस कोर्स के टॉप पे दिया जाता है। अब वन बाय वन जरा इसको, ये कोर्स डिस्कस करते हैं, फिर इन तमाम लेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये बाइंडर कोर्स है, आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देखें बाइंडर कोर्स और वेयरिंग कोर्स में क्या फर्क है। बाइंडर कोर्स में जो मटेरियल है, जो एग्रीगेट साइज है, वो लार्जर होता है थोड़ा सा। ठीक है, जबकि वेयरिंग कोर्स में जो एग्रीगेट साइज है वो थोड़ा सा फाइनर होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, जित जितना एग्रीगेट फाइनर होगा उतनी ही उसमें पोर्स कम आएंगी और राइड कंफर्ट ज्यादा होगा। ठीक है, जितना एग्रीगेट रफ होगा यानी कोर्सर होगा उतनी ही उसकी जो रफनेस है वो ज्यादा होगी और राइड कंफर्ट कम होगा। अच्छा, जरा प्राइम कोट की बात करते हैं। प्राइम कोट कौन सा लेयर है? प्राइम कोट अगर आप इस इमेज में देखें तो प्राइम कोट किस किन दो लेयर्स के बीच में दिया जाता है? प्राइम कोट बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में दिया जाता है। बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स। अब यहां पे आते हैं, बाइंडर प्राइम कोट इज अ लेयर विच इज प्रोवाइडेड बिटवीन द एस्फाल्ट कोर्स, यानी एस्फाल्ट कोर्स का मतलब क्या है, जिसमें बिचुमेन मौजूद हो, एंड क्रश्ड एग्रीगेट बेस कोर्स। क्रश्ड एग्रीगेट बेस कोर्स यानी प्योरली एग्रीगेट से बना हो जिसमें कोई बिचुमेन ना हो। तो एक एग्रीगेट बेस कोर्स और एस्फाल्ट कोर्स। अगर आपके पास नीचे आपने जो है वो बेस कोर्स दिया है और बेस कोर्स के ऊपर आप बिचुमेन की लेयर देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप नहीं दे सकते, आपको पहले सरफेस के ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा प्राइम कोट का, और प्राइम कोट स्प्रे करने के बाद आप जो है वो क्या देंगे, जो बेस जो वेयरिंग कोर्स है या जो बाइंडर कोर्स है वो आप उसके ऊपर देंगे। ये इस लेयर का मकसद क्या है? इस लेयर का मकसद ये है बॉन्ड बनाना, नीचे वाले लेयर्स और ऊपर वाले लेयर्स के दरमियान बॉन्ड बनाना। अगर ये प्राइमर प्राइम कोट नहीं देंगे तो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरा इसका मकसद ये है कि आपके पास एक जो ऊपर टॉप सरफेस होती है बेस कोर्स का, यहाँ पे आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखें ये एग्रीगेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एग्रीगेट है कि नहीं है। अब इस एग्रीगेट के ऊपर आप डायरेक्टली वेयरिंग कोर्स नहीं दे सकते, ये देखें एग्रीगेट सारा का सारा लूज फॉर्म में होता है, तो जब ये स्प्रे कर दिया जाता है तो स्प्रे से क्या होता है कि एक सरफेस प्रिपेयर हो जाती है जो कि रेडी होती है, द सरफेस बिकम्स रेडी, जिसके ऊपर हम नया लेयर दे सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात इसमें ये है कि अगर इस लेयर में कोई नीचे पोर्स वगैरह है वो पोर्स भी जाके कैप बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें अगर पानी नीचे जा रहा है या ऊपर से पानी आ रहा है तो वो पेमेंट के सरफेस को खराब करेगा, जो वेयरिंग कोर्स है उसको खराब करेगा।
तो उससे बचाने के लिए ये इसका दूसरा काम ये है, एक तो बॉन्ड बनेगा प्रॉपर, दूसरा ये सरफेस प्रिपेयर हो जाएगी फॉर वेयरिंग कोर्स, तीसरा जिसके ऊपर जो लूज मटेरियल है वो जाके मतलब उसकी वो उस उसके वो एक प्रॉपर एक सरफेस जो है वो कंपैक्टेड सरफेस आपके पास, प्रिपेयर्ड सरफेस आपके पास आ जाएगी, और वो लूज मटेरियल जाके एक दूसरे के साथ उसमें उसका बॉन्ड बनेगा। और तीसरा इसका क्या है, जो इसके अंदर जो पोर्स वगैरह हैं वो 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 भी फिल हो जाती हैं, और उस पोर्स की वजह से फिर पानी जो है वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मैंने पॉइंट्स बताई हैं, पर्पस क्या है इसका, कैपिलरी वॉल्स को फिल करता है, कोट और लूज लूज मटेरियल को बॉन्ड कर देता है, एक टफ सरफेस बना के दे रहा होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रमोट एडहेशन बिटवीन ग्रेनुलर एंड बिटुमिनियस लेयर, यानी ये एक बॉन्ड बनाता है बिटवीन द ग्रेनुलर लेयर एंड द बिटुमिनियस लेयर। इमेज में आपने देख लिया। दूसरा हमारे पास है टैग कोट। अगर आप पीछे वाले इमेज में जाएं तो टैग कोट कहां पे देते हैं, दोनों बिटुमिनियस लेयर्स के दरमियान, लेकिन एक बाइंडर कोर्स है और एक सरफेस कोर्स, ठीक है। दो बिटुमिनियस लेयर्स के दरमियान में जो कोट दिया जाता है वी कॉल इट द टैग कोट। यहां पे आप टैग कोट किस चीज के होते हैं सर, यहां क्या मतलब किस चीज का होता है, मटेरियल की बात करें, बिचुमेन, बिचुमेन से बिचुमेन का होता है, लेकिन प्योर बिचुमेन नहीं होता, इमल्सिफाइड बिचुमेन होता है। एक प्योर बिचुमेन होता है जो कि थिक होता है, गाढ़ा होता है, और एक होता है इमल्सिफाइड बिचुमेन। इमल्सिफाइड बिचुमेन, जब थिक बिचुमेन में आप कोई सॉल्वेंट मिक्स करते हैं और इसका एक सोल्यूशन बनाते हैं तो वो फिर आपके पास आ जाता है इमल्सिफाइड बिचुमेन। सर इमल्सिफाइड में कौन सी सॉल्वेंट होगा सर? अच्छा, सॉल्वेंट जो है वो आप बहुत कम केसेस में पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा केसेस में केरोसिन ऑयल या पेट्रोल यूज करते हैं सॉल्वेंट जो है। क्लियर? यस सर। सर हाँ, फिर पानी खराब नहीं करेगा सर? नहीं नहीं, वो इस एक्चुअली इस मिक्सिंग के लिए है, पानी खराब नहीं करता वो, तो एग्रीगेट पानी का क्या, पानी क्या खराब करता है आपको पता है, पानी जो है एग्रीगेट और बिचुमिन के दरमियान बॉन्ड को वीक करता है सिर्फ। समझ आ रही है? जब एग्रीगेट yes, और बिचुमिन के दरमियान पानी की पार्टिकल्स आ जाती हैं तो वो जाके उसकी, जैसे नेल पॉलिश होता है तो नेल पॉलिश बास टाइम पे रिमूव करना, आप उसकी इसको नाखून से कुरेदें तो वो जाके रिमूव हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि वो जाके पेनेट्रेट हो जाता है और वो फिर परमानेंट होता है, रिमूव नहीं होता, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं। समझ आ रही है? तो इसी वजह से ये जो है, ये एग्रीगेट और बिचुमिन के दरमियान अगर पानी आ जाता है तो वो ये पानी जो है वो बिचुमिन को एग्रीगेट से वॉश आउट करता है, जिसकी वजह से ये फिर बॉन्ड लूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एग्रीगेट का वो नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ हम सरफेस प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये जो कटबैक असफाल्ट है सर, कटबैक असफाल्ट क्या होता है, कटबैक असफाल्ट आपके पास इसको हम इमल्सिफाइड असफाल्ट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। लेकिन कटबैक असफाल्ट होता है जो रेजिड्यू होता है असफाल्ट का, यानी हमारे पास जो जो बिचुमिन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास आखिर में रेजिड्यू रह जाता है उसी से फिर आपके पास ये जो डिफरेंट असफाल्ट है वो, या बिचुमिन है, असफाल्ट नहीं बिचुमिन, वो उसी से बनता है, ठीक है। और कटबैक असफाल्ट क्या होता है, ये वो असफाल्ट जिसमें इमल्सिफाइड बिचुमिन इस्तेमाल हो, वी कॉल इट कटबैक असफाल्ट। क्लियर? कहाँ पे था, यहाँ पे मैंने, ठीक है, कटबैक असफाल्ट जिसमें इमल्सिफाइड बिचुमिन इस्तेमाल हो नॉर्मल बिचुमिन की बजाय, वी कॉल इट कटबैक असफाल्ट। सर मैंने कभी देखा कि कट बैक असफाल्ट वो होता है जिस बिचुमेन को हम वो केमिकल को ऐड करते हैं, और मल्सिफाइड वो होता है जिसमें हम बिचुमेन को पानी को ऐड करते हैं सर। हाँ दोनों है, दोनों दोनों को एक्चुअली हम दोनों को इन इन कुछ के, ये कुछ बुक्स में उन्होंने टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज किए हैं, जैसे जैसे असफाल्ट है और बिचुमेन है, तो अमेरिकन बुक्स में असफाल्ट वो
और बिचुमिन अलग अलग हैं, जबकि ब्रिटिश बुक में असफाल्ट और बिचुमिन वो एक ही चीज को कहते हैं जो मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट होता है। और तो ये मुख्तलिफ बुक्स हैं, किसी में क्या यूज होता है किसी में क्या यूज होता है, लेकिन जो असफाल्ट और जो कटबैक असफाल्ट है और या जो बिचुमिन इमल्सिफाइड असफाल्ट है, ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है। यानी प्योर बिचुमिन में आप कोई भी जो है केमिकल, मतलब पेट्रोल है या कोई केरोसिन ऑयल है, ये जो मिक्स कर लेते हैं या पानी मिक्स कर लेते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है वो फिर आपके पास कटबैक असफाल्ट या इमल्सिफाइड बिचुमिन कहलाता है। ठीक है सर, इसकी सर प्रेफरेंस की कोई वो है सर, क्या वो इसको हम का कहाँ पे प्रेफर करेंगे सर? प्रेफरेंस की बात नहीं है, ये आप बस यूजुअली जो इमल्सिफाइड बिचुमिन है वही इस्तेमाल होता है आपका जो टैग कोट है या प्राइम कोट है, जहां पे भी आप टैग कोट देना चाहते हैं बस आप इमल्सिफाइड बिचुमिन आप दे सकते हैं। इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कोई के मतलब इसकी स्ट्रेंथ में कोई हेल्प नहीं करता कि जाके ये बॉन्ड में, या इसकी कोई ग्रेड या कोई क्लासिफिकेशन हम नहीं करते। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे डिफरेंट टेस्ट्स आएंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली जो लेयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लेयर्स नहीं है। आपके पास ऊपर बेस कोर्स है, वेयरिंग कोर्स है, नीचे जो सब बेस कोर्स है, ये लेयर्स इंडिविजुअल लेयर्स इंपॉर्टेंट है, और इस लेयर्स के अंदर जो मटेरियल है वो इंपॉर्टेंट है। बस ये जो बाकी लेयर्स हैं ये सिर्फ सरफेस प्रिपरेशन के लिए हैं, ये जो कोट्स वगैरह हैं प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट, ये सिर्फ सरफेस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ओके सर। ओके, यहाँ पे हमने प्राइम कोट की बात की, ठीक है, तो ये अगेन मैंने आपको बताया नीचे ग्रेन्यूलर लेयर हो और आपस में ऊपर आप बेस बिचुमिनियस लेयर देना चाहते हैं, तो इसकी इसके बीच में ये स्प्रे किया जाता है ऑफ द इमल्सिफाइड बिचुमिन का, विच वी कॉल इट प्राइम कोट। ठीक है, उसके बाद हम टैग कोट की बात करते हैं, तो टैग कोट कौन सा होता है, ये भी बिचुमिनियस लेयर, दो बिचुमिनियस लेयर के दरमियान दिया जाता है, नीचे भी बिचुमिनियस लेयर है लेकिन आप दूसरा ऊपर एक दूसरा बिचुमिनियस लेयर देना चाहते हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो टैग कोट दिया जाता है। टैग कोट का मकसद क्या है, टैग कोट वहां पे भी दे सकते हैं अगर नीचे आपका कंक्रीट स्लैब हो, नीचे आपका स्लैब हो और उस स्लैब के ऊपर आप जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट की एक लेयर देना चाहते हैं, तो वहां पे भी टैग कोट आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा टैग कोट देने का मकसद ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये स्लिपेज एक्शन को रोकता है। स्लिपेज एक्शन से क्या मुराद है, स्लिपेज एक्शन से मुराद ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आप कारपेट का एक छोटा सा पीस लें और उसको वैसे ही फर्श पे रखें, जब उस कारपेट के छोटे से पीस को फर्श पे रखेंगे और उसके ऊपर कोई मतलब उसके ऊपर कोई चलने की कोशिश करेगा उस पीस के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो पीस जो है वो जाके चलने की वजह से इधर उधर मूव करता है। जब वो इधर उधर मूव करता है तो अक्सर जो है जो बंदा उसके ऊपर जा रहा होता है वो स्लिप भी हो जाता है, या आप अगर आप कारपेट का एक छोटा सा पीस रखें और उसके ऊपर एक कहीं दूर से जाके जंप करने की कोशिश करें तो आप जाके स्लिप कर जाओगे, समझ आ रही है। लेकिन अगर उस कारपेट के नीचे हम एक समद बॉन्ड लगा लेंगे और फिर उसके ऊपर मूव करेंगे तो वो कारपेट अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, अपनी पोजीशन में रहेगा और आपका जो बंदा जो उसके ऊपर मूव करेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्लिपिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम यही टैग कोट का भी फंक्शन है कि वो आप क्या करते हैं, ये जो नीचे भी बिचुमिनियस लेयर है और ऊपर भी बिचुमिनियस लेयर है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये जो टैग कोट है ये प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट में आपके पास है सील कोट। अब सील कोट क्या है, सील का मतलब क्या है, किसी चीज को सील करना, ठीक है, सील मतलब बंद कर देना, ठीक है। तो सील कोट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, सील कोट नए पेमेंट में इस्तेमाल हो सकता है और पुराने पेमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नए पेमेंट में कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपने पेमेंट बना लिया हो और आपने देखा हो कि अगर आपका आपके पेमेंट में फाइन जो है वो पोर्स हैं, तो उन फाइन पोर्स को फिल करने के लिए आप इसका एक स्प्रे कर देते हैं टॉप सरफेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं सील कोट। अब ये उससे फायदा क्या होगा, जब वो सारे के सारे माइन्यूट जो पोर्स हैं वो अगर फिल हो जाएंगे तो
पानी जो है सरफेस से पानी नीचे पेनेट्रेट नहीं होगा और ना डस्ट वगैरह पेनेट्रेट होगी। अगर ये तो नए पेमेंट में इसका इस्तेमाल है, पुराने पेमेंट में कब इस्तेमाल करते हैं, पुराने पेमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं फॉग सील और एक को हम कहते हैं स्लरी सील। इस सील कोट के दो टाइप्स हैं, फॉग सील और स्लरी सील। फॉग से क्या मुराद है, इसमें प्योर बिचमेन होता है। स्लरी में क्या होता है, इसमें फाइन पाउडर मिक्स करते हैं ऑफ द एग्रीगेट, फाइन पाउडर, वो फिर आपके पास स्लरी सील बन जाता है। अब फॉग सील जो है वो नए पेमेंट में दी जाती है, जबकि पुराने पेमेंट में फॉग सील भी दे सकते हैं और स्लरी सील भी दे सकते हैं। स्लरी सील किस लिए देते हैं, अगर कोई क्रैक्स वगैरह है फाइन तो उसको भी फिल करने के लिए स्लरी सील आप टॉप सरफेस के ऊपर दे सकते हैं। और फॉग सील पुराने पेमेंट में किस लिए देते हैं, अगर आपके पास पेमेंट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, स्ट्रक्चर वाइज पेमेंट कमजोर नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ है पेमेंट पुरानी नजर आ रही है क्योंकि सरफेस के ऊपर सन रेज की वजह से, धूप की वजह से इसका सरफेस से जो बिचमेन है वो इवेपोरेट हो जाता है और सरफेस एक ड्राई ड्राई सी लुक दे रही होती है। तो आप इसको रिजुनेवेट करने के लिए, रिजुनेवेट का मतलब दोबारा जवान बनाना, तो रिजुनेवेट करने के लिए आप क्या कर देते हैं, पुराने रोड के ऊपर आप इस तरह का ही स्प्रे देते हैं तो आपका जो रोड है वो फिर एक फ्रेश लुक देता है और एक नया लुक देता है। ये तब देते हैं जब आप समझते हैं कि पेमेंट स्ट्रक्चरली गुड इनफ है, स्ट्रक्चर उसको रिपेयर की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस पेमेंट को एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं, इतनी यूज नहीं हुई है, तो उसके लिए फिर आप ये स्लरी सील कोड दे सकते हैं और वो सील फिर फॉग सील का होगा। ठीक है, ये तो हमने तीनों कोड्स की बात की। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन नीचे लेयर से, हम स्टार्ट लेते हैं और एक एक लेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सबग्रेड। ठीक है, सबग्रेड कौन सी होती है, ये जो नेटिव सॉयल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ नेटिव सॉयल, इसको हम कहते हैं सबग्रेड। ठीक है, अब ये सबग्रेड जो है आप इसको कंपैक्ट करते हैं और कंपैक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर बाकी लेयर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास इसके ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट्स किए जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट, एक जिसको हम कहते हैं CBR टेस्ट, बेयरिंग कैपेसिटी इसकी डिटरमाइन की जाती है, अगर ये सब ग्रेड स्ट्रॉन्गर इनफ है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके ऊपर बाकी इसको कंपैक्ट कर लेते हैं और बाकी लेयर उसके ऊपर ऐड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये सबग्रेड जो है वो वीक है, कमजोर है, तो तब क्या किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइडों में बताया कि सबग्रेड की स्ट्रेंथ अगर वीक है तो वो जाके बाकी लेयर्स को इफेक्ट करती है। तो अगर आपके पास सबग्रेड कमजोर है तो उसके लिए दो तरीके कार है, एक तरीका मॉडिफाइड सबग्रेड का है और दूसरा तरीका जो है वो ट्रांसपोर्टेड सबग्रेड का है। मॉडिफाइड सबग्रेड का क्या मतलब है, मॉडिफाइड सबग्रेड का मतलब ये है कि आप इसी नेटिव सॉइल को एक्सक्यूवेट करें, उसके साथ कोई एडिटिव्स वगैरह या केमिकल्स वगैरह मिक्स करें जिसकी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज हो, और फिर उसको दोबारा उसका एक क्लियर दें और कंपैक्ट करें, तो वो आपके पास आता है मॉडिफाइड सबग्रेड। जबकि कॉम्पैक्टेड सबग्रेड क्या है, सॉरी ये जो ट्रांसपोर्टेड सबग्रेड है वो क्या है, आप किसी दूसरे इलाके से सॉइल ले आते हैं सबग्रेड का और जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, और उसका इसी नेटिव सॉइल के ऊपर एक दूसरा लेयर देते हैं सबग्रेड का जिस, और उसको कंपैक्ट करते हैं, तो इसको हम कंपैक्टेड या ट्रांसपोर्टेड सबग्रेड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबग्रेड अगर आपसे कोई पूछे कि सबग्रेड क्या है, तो ये जो नेटिव सॉइल है दिस इज कॉल्ड सबग्रेड। अच्छा, सबग्रेड जब आप सबग्रेड को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए दो तीन बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कट और फिल को बैलेंस किया जा सके। कट और फिल को कैसे बैलेंस करते, क्योंकि कट और फिल अगर आपके पास बैलेंस नहीं होगा तो जो अर्थवर्क है उसकी कॉस्ट फिर आपके पास बहुत ज्यादा आएगी।
तो कोशिश करें कि ऐसा सबग्रेड प्रिपेयर हो जिसकी सरफेस जो है उसमें कट और फिल को बैलेंस किया जाए। और ये मैंने आपको ग्रेड लाइन की बात की, ग्रेड लाइन क्या होता है, दो किस्म की ग्रेड लाइंस होती हैं आपके पास। एक आपके पास ये देखिए, ये नेचुरल ग्रेड लाइन है, इस तरह कभी ऊपर है कभी नीचे है, इसको हम कहते हैं NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ये पिछली क्लासों में मैंने आपको शुरू की दो लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था। और एक होता है आपके पास फॉर्मेशन लेवल, यानी इसके ऊपर जो आप रोड बनाते हैं इस तरह, दिस इज फॉर्मेशन लेवल, ठीक है। ये फॉर्मेशन लेवल यूजुअली सबग्रेड का होता है, ठीक है, फॉर्मेशन सरफेस लेवल। अच्छा, फॉर्मेशन सरफेस लेवल जब आप सेट करते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे फिलिंग की जरूरत है, यहाँ पे भी फिलिंग की जरूरत है, यहाँ पे कटिंग की जरूरत है। तो ये जो कट और फिल मटेरियल होगा वो आपके पास, ये कट मटेरियल यहाँ पे भी फिल हो जाएगा और यहाँ पे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपके पास सरफेस प्रिपेयर करने के लिए आप ग्रेड लाइन को ऐसा सेलेक्ट करें ताकि जो नेचुरल सरफेस लेवल है और FSL है उसमें कट और फिल आपके पास बैलेंस हो जाए। दूसरी सबग्रेड कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सबग्रेड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबग्रेड का जो लेवल है वो फ्लड प्लेन से अबव होना चाहिए। फ्लड प्लेन क्या होता है, यानी पुराने वक्त में पिछले 30 सालों में किसी भी इलाके में मैक्सिमम फ्लड का लेवल कितना पहुंच चुका है, तो आपका जो सबग्रेड है वो उस लेवल से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट 2 फीट, ठीक है, ताकि फ्लड की वजह से आपकी आपका जो रोड है वो खराब ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सबग्रेड कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या है, वो है रॉक्स। अगर आप सबग्रेड बना रहे हैं और किसी पहाड़ी इलाके में सबग्रेड प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहाड़ी इलाकों में तो रॉक्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो कोशिश करें कि रॉक को एक्सकवेट ना करें और उसको उसकी अंडरकट का क्या मतलब है, इस तरह का उसमें कट बनाया जाए, ये अंडरकट होता है। और इस सरफेस को, इसका जो ये रॉक है उसके ऊपर डायरेक्टली आप सब बेस या बेस कोर्स या जो वेयरिंग कोर्स है वो डाल सकते हैं, ठीक है, यानी उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रॉक तो बहुत मजबूत होता है, तो अगर उसको बीच में से आप कट करें और उसके अंदर डायरेक्टली आप रोड का वेयरिंग कोर्स या बेस कोर्स डाल दें तो आपका ऑलरेडी जो है, बजाय इसके कि आप पूरा इसको कट करें और फिर इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स ऐड करें, तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप सबग्रेड को प्रिपेयर करते हैं तो सबग्रेड प्रिपरेशन में एक ही इंपॉर्टेंट बात है और वो है कंपैक्शन, ठीक है। हम जितना ज्यादा और अच्छा कंपैक्ट करेंगे उतने ही आपका जो सबग्रेड है उसमें सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स, उसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स जो है वो कम से कम होंगी, ठीक है। यूजुअली हम ये करते हैं कि हम 95% कंपैक्शन को अचीव करते हैं हर एक लेयर में। 95% कंपैक्शन के मोर से हम क्या मुराद है, यानी एक होती है आपके पास फील्ड में कंपैक्शन, एक होती है आपके पास लैब में कंपैक्शन, ये पिछली जो टेक्निकल लैब में मैंने आपको पढ़ाया था। तो फील्ड कंपैक्शन वर्सेस लैब कंपैक्शन शुड बी 95%। अगर आपके पास फील्ड में आपने गेम फील्ड में आपने जो है वो टेस्ट किया और गेम आरडी जो था वो फील्ड में आपके पास आ रहा है 2.2 और गेम आरडी जो आपने प्रॉक्टर टेस्ट किया वो लैब में किया और वो आपके पास आ रहा है 2.5, दिस इज लैब एंड दिस इज फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड डिवाइडेड बाय लैब मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो है ये 95% से अबव होना चाहिए, ठीक है। ये आप कैसे 95% से अबव कर सकते हैं, जितनी फील्ड कंपैक्शन करीब करीब होगी टू द लैब कंपैक्शन उतनी ही आपके पास जो है वो उसकी जो है वो कंपैक्शन अच्छी हो जाएगी, उतनी आपके पास ये सेटलमेंट और सॉइल, उसकी सॉइल की स्ट्रेंथ जो है, ये बेरिंग कैपेसिटी वगैरह अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कंपैक्शन लैब में हम मैंने आपको पढ़ाए भी थे, ये स्टैंडर्ड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है और एक मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, दोनों आप परफॉर्म कर सकते हैं कि उससे हम लैब में कंपैक्शन डिटरमाइन करते हैं।
जब आपके पास कंपेक्शन के स्टैंडर्ड या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं तो उसके दरमियान एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कौन सा होता है? मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के दरमियान, और जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के अगेंस्ट जो मॉइस्चर की वैल्यू होती है वी कॉल इट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या आप लोग पढ़ चुके हैं? हाँ लड़ी, ठीक है। और फील्ड में जब हम कंपेक्शन टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सैंड कोन टेस्ट। ये भी हमने मैंने आपको जो टेक्निकल लैब में पढ़ाया था, सैंड कोन टेस्ट जो है वो फील्ड में किया जाता है। और इसका तरीकाकार क्या है कि इसका तरीकाकार है कि फील्ड में हम एक होल जो है वो डक करते हैं, उससे सॉइल निकालते हैं और उसको सैंड से फिल करते हैं, ठीक है। जो सॉइल हम निकालते हैं उसका मास मालूम करते हैं और जो सैंड इससे फिल करते हैं उससे इस होल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको क्या देगा? डेंसिटी, ठीक है। तो इससे आप गैमा जो है वो डेंसिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपेक्शन यानी लैब फील्ड में कितनी हुई। इसका टेस्ट हमने परफॉर्म किया था ऑलरेडी। जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो भी इस सॉइल के ऊपर सबग्रेड मटेरियल के ऊपर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सीबीआर। सीबीआर क्या है? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो टेस्ट। इंशाल्लाह आपको वकास साहब लैब में पढ़ाएंगे कि सीबीआर टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है और इसका मकसद क्या है। सीबीआर टेस्ट जो है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल फील्ड से सबग्रेड का लैब में ले आते हैं। इसके लिए हमारे पास खास मोल्ड्स होती हैं। ये जो मोल्ड्स आपको नजर आ रही हैं, ये मोल्ड्स हैं। इस मोल्ड को हम फिल करते हैं फाइव लेयर्स में। क्लियर होगी बात? फाइव लेयर्स में फिल करने के बाद, ठीक है, हर एक लेयर को हम डिफरेंट ब्लोज देते हैं। 10 ब्लोज भी देते हैं, 30 ब्लोज भी देते हैं, 65 ब्लोज भी देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको मशीन में टेस्ट करते हैं। मशीन में ये आपको जो बीच में नजर आ रहा है, दिस इज अ प्लंजर। ये प्लंजर पेनेट्रेट होता है। जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये प्लंजर की मदद से ये मशीन सॉइल के अंदर लोड अप्लाई कर रहा होता है। अब जितना लोड ये अप्लाई करेगा, ठीक है, तो आपको जो है ये डायल गेजेस यहां पे लगी होती हैं, वो रीडिंग आपको देगा। जब ये प्लंजर 2.5 mm पेनेट्रेट करेगा तो उस पॉइंट पे लोड मेजर किया जाता है, और जब ये प्लंजर फर्दर पेनेट्रेट होगा 5 mm तक तो उस पॉइंट पे भी लोड मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है। यानी लोड एट 2.5 mm पेनेट्रेशन एंड लोड एट 5 mm पेनेट्रेशन। तो 2.5 mm पेनेट्रेशन से भी आप सीबीआर निकालते हैं और 5 mm पेनेट्रेशन से भी आप सीबीआर निकालते हैं। दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपके पास फाइनल सीबीआर होगा। अच्छा, सीबीआर बेसिकली हमारे पास रेशो है दो लोड्स के दरमियान। लेकिन पहला लोड तो आपको आपका आपने सॉइल का लेना है जो टॉप पे होगा। जो न्यूमिरेटर में लोड होगा वो किसका होगा? सॉइल का होगा, जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। जबकि डिनोमिनेटर में एक स्टैंडर्ड लोड आप लेंगे, और वो स्टैंडर्ड एग्रीगेट का लोड होता है, जो कि ऑलरेडी एश्तो ने एक एग्रीगेट कंसिडर किए, स्टैंडर्ड एग्रीगेट। और स्टैंडर्ड एग्रीगेट का जो में जो 2.5 mm पेनेट्रेशन होती है वो कितना लोड लेयर 1350 किलोग्राम ऑफ लोड पे, किलोग्राम में भी आप ले सकते हैं, ये PSI में भी आप ले सकते हैं, ये किलोन्यूटन में भी आप ले सकते हैं। तो ये डायल गेज के ऊपर डिपेंड करता है कि डायल गेज जो आपको रीडिंग दे रहा है वो किन यूनिट्स में दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूं ताकि थोड़ा सा हमें आपको आसानी हो, ठीक है। ये मैं ले जाता हूं इनटू PSI 1000 PSI, और इसको मैं ले जाता हूं 1500 PSI। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को किलोग्राम में प्रॉब्लम होती है, किलोग्राम के बस सिंगल लोड ही, ठीक। अच्छा, अब मैंने इसको PSI में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अगर 1000 PSI जो है वो स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन जो है वो रेजिस्टेंस देता है स्टैंडर्ड एग्रीगेट,
तो जो आपको सॉयल में जो रेजिस्टेंस मिलेगी, जो 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 लोड आएगा, जितना लोड ये बर्दाश्त करता है, उसको डिवाइड करेंगे विद द विद द स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन जो कि है 1000 से, जबकि 5 mm वाली वैल्यू को आप 1500 से PSI से डिवाइड करोगे, इन दोनों का जो रेशियो आपको आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करके, दैट वुड बी द CBR। ठीक है, अब जो CBR है उसकी कुछ वैल्यूज हैं। अगर आपके पास CBR की वैल्यू 10% से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब क्या है कि CBR इज गुड इनफ। अगर आपके पास 10 से लेस आती है, मतलब 5 और 9 के दरमियान आती है, तो इसका मतलब क्या है कि फेयर है, मतलब सॉयल जो है वो बस कदरे बेहतर है। जब अगर आपके पास 5 से भी बिलो आती है, इसका मतलब क्या है कि सॉयल इज एक्सट्रीमली वीकर एंड हमें जो है मॉडिफाइड या ट्रांसपोर्टेड CBR की तरफ जाना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड CBR की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? सब बेस के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 30 और बेस के लिए इट यूजुअली इज ग्रेटर देन 80%। ये तो होगी सारी की सारी बातें सब ग्रेड की। अब आते हैं बेस और सब बेस की। ये फर्दर दो लेयर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब बेस की। ये सब बेस का जो लेयर है ये यूजुअली दिया जाता है बिटवीन द सब ग्रेड और बेस, यानी इसके नीचे जो लेयर होती है सब ग्रेड होती है और उसके ऊपर जो लेयर होती है वो बेस कोर्स होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ये अगेन रिजिड पेमेंट में दिस इज ऑप्शनल। और ये कौन से मटेरियल से बना दिया जाता है? यूजुअली आपके पास जो जो अक्सर मुंगा पुख्तों की दखवड़ कहानी, दखवड़ यानी ये जो 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 पानी से जो जो शगई जिसको हम कहते हैं वो निकालते हैं, और उसका उसमें सैंड क्ले कंटेंट भी बहुत ज्यादा मौजूद होता है, या जो जलोजे का जो मिट्टी है वो उसको डायरेक्टली उसमें, चूंकि ग्रेवल्स बहुत ज्यादा है, उसको डायरेक्टली आप जो है यूज कर सकते हैं एज अ सब ग्रेड सब बेस मटेरियल। क्लियर है? अच्छा, सब बेस मटेरियल में आप कोई जो कोई भी जो रेजिड्यू मटेरियल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जो ईंट की इंडस्ट्री, ईंट के जो फैक्ट्री होती है, उस ईंट फैक्ट्री में जो ईंटें आपके पास खराब हो जाती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई भी कहीं से भी जाके जो है वो, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेयर देता है जो कि जो है ऐसा लेयर होना चाहिए जो कि सबग्रेड से स्ट्रॉन्गर हो। तो सबग्रेड से स्ट्रॉन्गर कैसे होगा? जिसमें ग्रेवल अगर थोड़े बहुत होंगे तो तब स्ट्रॉन्गर होगा, और बेस कोर से वीकर होना चाहिए। इसका मकसद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपको नजर आ रहे हैं, देखिए जो दिस इज बेसिकली सब बेस मटेरियल, और ये जो टॉप पे आपको नजर आ रहा है दिस इज बेस कोर्स, ये बेस है, ठीक है, टॉप पे जो आपको नजर आ रहा है, और जो नीचे है दिस इज सब बेस मटेरियल। ठीक है, अच्छा, इसका एक पर्पज और इम्पोर्टेंट पर्पज ये है कि इट वी कैन अचीव द रिक्वायर्ड थिकनेस एट अ लो कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? अब देखें, ये जो सरफेस है, हमने पेमेंट यहां से इस सरफेस के ऊपर यहां तक पहुंचना है। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा ये मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा का पूरा ये जो ग्रेवल मटेरियल है वो इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से यहां से देखें यहां तक उन्होंने ये जो चीप मटेरियल है, सस्ता मटेरियल है, वो इस्तेमाल किया है। तो कॉस्ट भी आपकी सेव हो गई है, बचत हो गई है, और आपके पास क्या हो गया, आप रिक्वायर्ड लेवल तक भी पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सब बेस का एम है वो ये है कि टू अचीव द रिक्वायर्ड थिकनेस एट अ लो कॉस्ट। अच्छा, बेस कोर्स की अगर हम बात करें तो बेस कोर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है सब वेयरिंग कोर्स के बाद, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो बेस कोर्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बेस कोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो इट विल हेल्प इन द लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी, तो उतना ही आपका पेमेंट पर स्ट्रॉन्गर बनेगा। अगर आपका बेस कोर्स वीक है या बेस कोर्स थिन है, यानी इसकी थिकनेस कम है, तो फिर उसकी पूरी पेमेंट की लोड कैरिंग कैपेसिटी पे उसका इफेक्ट आएगा। जो बेस कोर्स है वो एक खास तरीके से हम बनाते हैं,
इसी बेस कोर्स को हम वाटर बाउंड मैकेडम भी कहते हैं, वाटर बाउंड, इसी बेस कोर्स को हम क्या कहते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम भी कहते हैं, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर बाउंड मैकेडम, मैकेडम इट वॉज द नेम ऑफ एन इंजीनियर, जिस जॉन मैकेडम उसका नाम था, एक स्कॉटलैंड का एक इंजीनियर था, उसने सब पुराने जमाने में तो कच्ची रोड्स हुआ करती थी, ये जो असफाल्ट वाली रोड्स हैं ये उस जमाने में तो नहीं थी, तो कच्ची रोड के ऊपर उन्होंने एक कच्ची जो जो सरफेस होती है सॉयल, उसके ऊपर उन्होंने एक खास किस्म का एक लेयर बनाया जो जो मुश्तमिल था क्लीन क्रश्ड एग्रीगेट्स के ऊपर, फिलर मटेरियल के ऊपर, और पानी उसमें उन्होंने ऐड किया और फिर उसको कॉम्पैक्ट किया, उससे एक लेयर बन गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेयर था, और जो आजकल की रोड्स हैं, मतलब वो पुराने वक्त में एक अच्छी रोड कंसीडर की जाती थी, कच्ची रोड से एक एडवांस टाइप ऑफ रोड वो कंसीडर की जाती थी, ठीक है। उस चूंकि सबसे पहले उस वो उस इस दिस टाइप ऑफ रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉन मैकेडम, सो द नेम जो उसी उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रीज में उस तरह की रोड्स बनना शुरू हुई जिस पे अक्सर घोड़े जो है वो जाते थे, या जो बैलगाड़ियां होती थी वो जाती थी, या साइकिल, या इन इस तरह की जो चीजें हैं वो गुड्स जो हैं वो मूव करते थे, वो उस इस तरह के इस तरीके से इन 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 रोड्स के ऊपर, तो वो उस तरह की रोड्स को फिर उन्होंने मैकेडम रोड्स का नाम दिया, ठीक है। जो असफाल्टिक रोड्स हैं वो 1950 के बाद आई हैं, तो उन्होंने क्या किया, मैकेडम रोड ऑलरेडी बनी हुई थी, उसी मैकेडम रोड के ऊपर उन्होंने एसफाल्ट का एक लेयर दिया, और वो आपके पास जो आजकल वाली रोड है, देखें यहाँ पे तो नेटिव सॉयल है, उस नेटिव सॉयल के ऊपर उन्होंने एक लेयर दिया, वो लेयर में क्या क्या था, एग्रीगेट्स शामिल थे बड़े बड़े, उन एग्रीगेट्स में उन्होंने फिलर मटेरियल ऐड किया जो इन वॉइड्स को फिल कर सके, और उसमें पानी ऐड किया, और फिर उसके ऊपर रोलिंग करके उसको कॉम्पैक्ट किया, तो कंपैक्शन करने के बाद देखें एक अच्छी और मजबूत रोड आपके पास तैयार हो गई, इसको उन्होंने नाम दिया मैकेडम रोड। ठीक है, मैकेडम रोड। और फिर इसी के बाद जो थिन लेयर दी गई वेयरिंग कोर्स की, तो उसको उसके बाद जो मॉडर्न पेमेंट्स हैं वो आपके पास इस तरह बनती बन गई, ठीक है। तो मैकेडम रोड्स के बाद फिर एक और एडवांसमेंट हुई, और वो भी जो बिचुमिनियस या एस्फाल्टिक रोड्स हैं वो उसके बाद बनी। अब मैकेडम क्या है, मैकेडम में रोड में क्या होता है, ये जो आजकल का बेस कोर्स है ये किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले ये देखें इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि क्लीन क्रश्ड एग्रीगेट है वो सरफेस के ऊपर डाल दिया जाता है, जहां पे रोड बनती है, सरफेस के ऊपर डालने के बाद इसको कंपैक्ट, इससे जो जो एग्रीगेट अगर बहुत बड़े साइज हैं तो ये एग्रीगेट देखें तोड़ देते हैं, और साथ में इसको प्रॉपरली जो है इसमें जो अगर कोई डेबरस वगैरह है वो भी रिमूव कर लेते हैं, फिर क्या किया जाता है, इसको कंपैक्ट किया जाता है रोलिंग करके, इसको इसका एक स्मूथ सरफेस बना दिया जाता है। स्मूथ सरफेस बनाने के बाद इसमें क्या ऐड करते हैं, फिलर मटेरियल, आप लोगों ने देखा होगा ये सैंड या कोई भी खाका जो है वो आप उसकी वो इसके ऊपर जो है उसका एक थिन लेयर देते हैं, ताकि इस एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड्स हैं या जो गैप्स हैं वो फिल हो जाएं। उसके बाद क्या किया जाता है, जब वॉइड्स और गैप्स फिल हो जाती हैं और कंपैक्शन भी हो जाती है, तो ये वाटर का एक स्प्रे किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा इसको कंपैक्ट किया जाता है, तो इस तरह एक प्रॉपर बेस कोर्स आपके पास तैयार होती है, और इस तरीके से जो बेस कोर्स तैयार होती है वी कॉल इट द वाटर बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम, मैकेडम लेयर को कहते हैं, और वाटर बाउंड इसका मतलब क्या है कि इसमें पानी जो है वो क्या हेल्प कर रहा है, ये एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ये फिलर मटेरियल और ये एग्रीगेट आपस में एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर होगी बात, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर बाउंड क्या चीज है, तो आपने जवाब ये देना है कि ये जो बेस कोर्स
हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं वाटर बाउंड मैकेडम। अब इसको क्यों वाटर बाउंड मैकेडम कहते हैं, क्योंकि वो जो है इसको एक खास तरीके से इस लेयर को बनाया जाता है। और वो खास तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जो है एग्रीगेट के एक लेयर देते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं, फिर उस पे फिलर मटेरियल ऐड करते हैं, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं और फिर उसको कंपैक्ट करते हैं। तो इस तरह जो आपके पास जो सरफेस बनती है इसको हम कहते हैं वाटर बाउंड मैकेडम, और इससे जो हम लेयर बनाते हैं इसको हम कहते हैं बेस कोर्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की बेस कोर्सेज मुख्तलिफ तरीकों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है वाटर बाउंड मैकेडम, ठीक है। ड्राई बाउंड मैकेडम भी है, वेट मिक्स मैकेडम भी है, पेनेट्रेशन मैकेडम भी है। ड्राई बाउंड मैकेडम में क्या करते हैं, यही तरीका होता है लेकिन पानी ऐड नहीं करते। वेट मिक्स मैकेडम में क्या होता है, यही तीनों चीजें ऐड करते हैं, फिलर मटीरियल, एग्रीगेट और पानी, लेकिन उसको मिक्सचर में ऐड करते हैं, मिक्सर प्लांट या मिक्सिंग मशीन, और फिर उसका एक क्लियर देते हैं। यहाँ पे तो सरफेस के ऊपर ही हम एक दूसरे के साथ इसको मिक्स कर रहे होते हैं, पहला एक क्लियर दिया फिर दूसरा फिर तीसरा। यहाँ पे सारा मटेरियल हम एक ही साथ मिक्सिंग प्लांट में मिक्स करते हैं और फिर उसका एक तैयार लेयर देते हैं। पेनेट्रेशन मैकेडम क्या होता है, पेनेट्रेशन मैकेडम में बाइंडर जो है पानी की जगह तरीका, यही तीन चीजें होती हैं, फिलर मटेरियल, एग्रीगेट और बाइंडर, लेकिन बाइंडर जो है यहाँ पे पानी की जगह बिटुमेन इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर होगी बात? दिस इज कॉल्ड पेनेट्रेशन मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम और पेनेट्रेशन मैकेडम में, वेट मिक्स मैकेडम में क्या फर्क है, दोनों में पानी इस्तेमाल होता है, वाटर बाउंड में भी और वेट मिक्स में भी, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, वाटर बाउंड में आप जो एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं वो एक ही साइज का एग्रीगेट होता है, यूजुअली 2 इंच 1 इंच एक ही साइज का एग्रीगेट होता है, जबकि वेट मिक्स मैकेडम में जो एग्रीगेट इस्तेमाल होता है वो अगर यहां पे आप देखें वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इस्तेमाल होता है। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है, जब आप ग्राफ उसका ड्रा करते हैं तो उसमें तमाम एग्रीगेट के साइजेस के प्रोपोर्शंस मौजूद हों, वी कॉल इट वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। क्लियर है? तो वेट मिक्स मैकेडम जो है वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से बनता है, जबकि वाटर बाउंड मैकेडम जो है उसमें एक ही साइज के एग्रीगेट यूजुअली आपके पास होती है। दूसरा इसमें क्या है वाटर बाउंड और वेट मिक्स मैकेडम में, कि इसका ऑपरेशन ऑफ लाइंग इज सिंपलर। ऑपरेशन ऑफ लाइंग इज क्यों सिंपलर है, कैसे सिंपलर है, इसलिए सिंपलर है कि देखें वाटर बाउंड में आप एक एक लेयर को ऐड कर रहे होते हैं फिर उसमें पानी वगैरह ऐड करते हैं, जबकि वेट मिक्स मैकेडम में आप पहले मशीन में क्रश मिक्सर में जाके तमाम को मिक्स करते हैं, तो उस वजह से फिर उसका लेयर देना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि वाटर बाउंड में लेयर जो है वो देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब एक और कंपैक्शन भी उसकी अच्छी होती है, वेट मिक्स मैकेडम की कंपैक्शन अच्छी होती है फ्रॉम द वाटर बाउंड मैकेडम, लेकिन जो नेगेटिव उसका डिसएडवांटेज उसका है वो है कॉस्ट का। जितना कॉस्ट आपके पास, चूंकि उसमें वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज होगा तो तमाम एग्रीगेट को क्रशर रन करना पड़ेगा, उसमें मिक्सर प्लांट्स की जरूरत होगी क्योंकि तमाम चीजों को पहले से मिक्स करना पड़ेगा, इन दो चीजों की वजह से वेट मिक्स मैकेडम की कॉस्ट बढ़ जाती है, और यही वजह है पाकिस्तान में वेट मिक्स मैकेडम इस्तेमाल नहीं होता, वाटर बाउंड मैकेडम ही इस्तेमाल होता है, जिसमें हम यही तरीका है जो पिछले हमने स्लाइडों में एक्सप्लेन किया कि पहले एग्रीगेट का लेयर देते हैं, फिर उसको कंपैक्ट करते हैं, फिर फिलर मटेरियल देते हैं, फिर पानी देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कॉम्पैक्ट करते हैं, रोलिंग करते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान में यही वाटर बाउंड मैकेडम ही ज्यादातर यूज होता है। जो लास्ट लेयर है जो टॉप पे होता है वी कॉल इट सरफेस कोर्स या वेयरिंग कोर्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। यूजुअली इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गर लेयर होता है, होना चाहिए, इसमें मटेरियल भी स्ट्रॉन्गर यूज करते हैं, उसमें बिटुमेन इस्तेमाल होता है, प्रॉपर बॉन्डिंग इसकी होनी चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रेसेस यानी वेयर एंड टेयर भी इसी में आता है, इस वजह से इसको सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड यही होता है, तो दैट इज द रीजन कि इसको सबसे स्ट्रॉन्गर और सबसे जो है वो बेहतर बनाया जाता है, ठीक है।
रोड की कंफर्ट का ताल्लुक भी इसी लेयर के ऊपर है, जितना ही आपके पास वेयरिंग कोर्स अच्छा होगा उतनी ही आपके पास स्मूथ राइड आपको मिलेगी, कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी, नॉइज जो है वो आपके पास कम से कम होगा, और साथ में जो है वो अगर स्ट्रॉन्गर लेयर होगा तो उसकी जो है उसमें डिस्ट्रेसेस भी कम से कम आएगी, रटिंग या मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी सबसे कम आएगी। अच्छा ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो है ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक वेयर इसी लेयर में आता है। ट्रैफिक वेयर का क्या मतलब है? ट्रैफिक की वजह से जो वेयर एंड टेयर है वो इसी लेयर में आता है, और हम यूजुअली इसी लेयर को ही रिप्लेस कर रहे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड खराब हो जाती है और रोड का एक नया लेयर देते हैं तो ये जो पुराना लेयर है ये वेयरिंग कोर्स का वो हटाते हैं और एक नया लेयर फिर वेयरिंग कोर्स का देते हैं। तो यूजुअली रिप्लेसमेंट इसी लेयर की होती है। प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है इसका। प्रिजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से क्या मतलब है कि यानी हर 2-3 साल बाद रोड को मॉनिटर किया जाता है, और मॉनिटर करने के बाद देखा जाता है कि कहां कहां पे कितनी कितनी डिस्ट्रेस आया, डिस्ट्रेस का मतलब है वेयर एंड टेयर, और उसको कैसे रिपेयर करना है। तो ये हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है, रिपेयर प्रोग्राम होता है, जिसमें हर 2-3 साल बाद पेमेंट को मॉनिटर करके फिर उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है जहां जहां पे वेयरिंग कोर्स खराब हो जाता है। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सर ये प्रिजर्वेशन और रिहेबिलिटेट में सर क्या फर्क है। प्रिजर्व मींस इसको, प्रिजर्व का क्या मतलब है, आप कोई चीज है आप खराब होने से बचाते हैं उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब है कि आप उसको रिपेयर करते हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पर कोई खराबी आई है तो उसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें कोई भी टेक्निक यूज करते हैं और उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई क्रैक्स आ गया तो क्रैक को फिल किया जाता है, या कहीं पे कोई पॉट होल्स बन गई है तो उस पॉट होल को फिल किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। कहीं जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो और उसको रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। और प्रिजर्वेशन मीन्स अपनी हालत, अपनी असल हालत में उसको बरकरार रखना। तो अपनी असल हालत में कैसे उसको बरकरार रखेंगे, जब उसको रिहेबिलिटेट करेंगे ना। क्लियर होगी बात? यस, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, एग्जैक्टली मेंटेनेंस। तो इस मेंटेनेंस जो है उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, और प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, अपनी असल हालत में उसको बरकरार रखना। तो अपनी असल हालत में उसको बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस की जाती है। दो तरह की मेंटेनेंस होती है, को हम रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं जो डेली बेसिस पे सफाई वगैरह है, और एक होती है पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस हर 2-3 साल बाद की जाती है, कहां कहां पे कोई भी रिपेयर की जरूरत हो तो वहां पे रिपेयर वगैरह किया जाता है। अच्छा, अस्फाल्ट और बिचुमेन, मैंने आपको फर्क बताया था शुरू में भी कि बिचुमेन क्या है। बिचुमेन जो बाइंडर मटेरियल है इसको हम बिचुमेन कहते हैं, जबकि अस्फाल्ट क्या है। अस्फाल्ट जो है वो जब बिचुमेन और एग्रीगेट आपस में मिक्स होता है उसको हम कहते हैं अस्फाल्ट। अच्छा, ये जो बिचुमेन है ये उसकी केमिकल कंपोजिशन आपके सामने है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मोस्टली इसके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, और बाकी कुछ अदर मेटल्स भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, बट जो मेजॉरिटी ऑफ इसके इसकी कंपोजिशन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन शामिल है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अस्फाल्ट सीमेंट क्या है और बिचुमिनियस इमल्शंस क्या है। जो प्योर बिचुमेन होता है उसको हम कहते हैं अस्फाल्ट सीमेंट, कोई मिक्सिंग वगैरह इसमें नहीं हुई। और बिचुमिनियस इमल्शंस क्या होती हैं, जब आप इसमें या तो वाटर ऐड करते हैं या फिर जो है वो कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन या फिर कोई भी लिक्विड, फर्दर कोई दूसरा लिक्विड ऐड करते हैं जिसमें आपके पास पेट्रोल या केरोसिन ऑयल या कोई भी इस तरह का मटेरियल हो सकता है, तो वो उससे जो आपके पास बनता है वी कॉल इट द बिचुमिनियस इमल्शंस। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ द रोड डिस्कस किए और क्या क्या होता है, कौन कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको थ्योरेटिकल लेक्चर है, लेकिन इसी से आपका बैकग्राउंड बनता है, ठीक है। आई होप जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। फिर उसके बाद हम, क्योंकि आपका सेक्शन थोड़ा सा पीछे है,
फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन लेक्चर सेक्शन, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी आई थिंक मेरे ख्याल में आज आज इतना ही काफी है। यस सर, आज काफी है सर आज।